शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि थाना मंजुला पे लगने वाले साप्ताहिक बाजार में थाना मंजुला पुलिस के साथ साथ नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बार बार ज्ञापन देने के बाद भी ना ही तो प्रशासन चेत रहा है और ना ही नगर निगम कोई कार्यवाही कर रहा है, जबकि साप्ताहिक बाजार पर काफी समय पहले अंकुश लगाया जा चुका है लेकिन नगर निगम द्वारा पैसे लेकर बाजार लगवा दिया जाता है। शिवसेना के प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया ने नगर निगम के मेयर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शेयर पर नगर निगम के अधिकारियों ने जगह जगह साप्ताहिक बाजार लगवा रखे हैं, जिसको लेकर आज शिवसेना द्वारा जिला अधिकारी एवं SSP को ज्ञापन दिया गया है। ये किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? आज शिव सैनिक SSP एवं जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी एवं SSP महोदय को सौंपे ज्ञापन में कांगन पर अवैध बाजार खुलवाने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि कांगन पर गुरुवार को साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसे मेयर विनोद अग्रवाल, नया मुरादाबाद चौकी इंचार्ज जितेंद्र तोमर और वहाँ का पार्षद लगवाता है। बाजार नगर निगम द्वारा शिव सैनिकों की कंप्लेंट में दर्जनों बार हट गया है, लेकिन हर बार ये अवैध वसूली करके बाजार लगवा देते हैं। थाना मंजुला के अंतर्गत शकुंतला ने अपना पति और अपना ससुर देश सब मरवा दिए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाना मंजुला पुलिस मिली हुई है। थाना मंजुला में 3 मुकदमे फर्जी दर्ज हैं, लेकिन उस पर अभी आपने प्रदर्शन के दौरान जो मुरादाबाद के मेयर हैं उनके नारे लगाए हैं, क्या वजह है उनके नारे लगाए? मेयर विनोद अग्रवाल अवैध वसूली करवाकर कांगन पर अवैध बाजार लगवा रहे हैं। शिव सैनिकों ने कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं, दर्जनों बार नगर निगम के अधिकारियों ने बाजार हटवा दिया गया है, लेकिन मेयर के कहने पर बाजार पुनः लगवा दिया जाता है। वहाँ से 60-70 हज़ार रुपये पर हफ्ते की अवैध वसूली है और प्रतिदिन की भी अवैध वसूली होती है। वहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जाम रहता है, दुर्घटनाओं में कई व्यक्ति घायल हो जाते हैं और 100-150 की प्रतिवर्ष मृत्यु तक हो जाती है और कई जमीनों पर मेयर ने कब्जा करवा रखा है। शिव सैनिकों ने पहले धरना प्रदर्शन किए थे तो जो रामलीला ग्राउंड के बराबर की जमीन थी, 4010 मीटर जमीन मेयर और वहाँ के जो पार्षद थे, 4-5 पार्षदों ने मिलकर बेच दी थी। जब शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया तब उससे उनको वह जमीन कब्जा मुक्त हुई।